त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांतिश शांतिश शांति। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी जिससे दुनिया के करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। स्ट्रेस, तनाव इसका सबसे बड़ा कारण। यद्यपि हाइपरटेंशन हार्ट की प्रॉब्लम से भी रिलेटेड है, किडनी की प्रॉब्लम से भी रिलेटेड है, तनाव के बढ़ने से वंशानुगत रूप से भी बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है। तनाव से वंशानुगत रूप से हार्ट की प्रॉब्लम होने से, किडनी की प्रॉब्लम होने से, और कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी आदमी को और फिर भी हाई बीपी हो जाता है। हाइपरटेंशन के लिए अभी तक पूरी दुनिया के अंदर कोई भी दवाई इसको परमानेंट क्योर करने के लिए नहीं खोजी गई। एलोपैथ के क्षेत्र में, आयुर्वेद में तो है ऐसी दवा, परंतु दवाओं से आप किसी बीमारी से शायद ही छुटकारा पाए, और यदि है कोई दवा तो भी यदि बिना दवा के आपकी बीमारी मिट सकती है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। हाइपरटेंशन के बारे में मैं कह सकता हूं कि अभी तक हमने देश के लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और करोड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से मुक्त कराया है, क्योंकि टीवी पर ही देख करके आस्था के माध्यम से ही देश के करोड़ों लोगों ने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह फायदा तो उठाया कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एस्थमा, हार्ट के प्रॉब्लम जैसे रोगों को घर बैठे लोगों ने मिटाया। यदि हाइपरटेंशन की बात की जाए तो जितना समृद्ध व्यक्ति उतना ही उसको हाइपरटेंशन, उतना ही उसको स्ट्रेस, उतना ही उसको डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम समृद्धि के साथ में व्यक्ति को व्याधियां भी अभिवृद्ध हो रही है, यह ठीक नहीं है। प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं और उसमें व्यक्ति के एम्बिशंस, प्रतियोगिताओं प्रतिस्पर्धाओं के बीच में महत्वाकांक्षी व्यक्ति जूझता हुआ कहीं ना कहीं राह भटक जाता है, कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, कहीं ना कहीं वो होश खो देता है। योग से जागरूकता आएगी, योग से होशपूर्णता आएगी, योग से विवेकशीलता आएगी और योग से तनाव, ये सब तो अपने आप ही मिट जाएगा। प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में महत्वाकांक्षाओं को तुम पूरा कर पाओगे लेकिन तनाव से ग्रस्त नहीं होगे, हाइपरटेंशन नहीं होगा तुम्हें। आजकल बड़े आदमी की शानी बन चुकी हैं कुछ बीमारियां, हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, फिर चिंता और तनाव से और ज़्यादा बढ़ने से फिर आर्थराइटिस, एक एक व्यक्ति को 10-10, 20-20 बीमारी एक एक साथ लगी है। हमने ये जो प्रोग्राम है योग का, इसलिए इसको 7 मुख्य प्राणायाम, 7 कुछ सूक्ष्म व्यायाम और लगभग 7 आसन, उसी के ऊपर केंद्रित किया कि एक व्यक्ति इतना ही कर ले तो पर्याप्त है। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में खास बताने वाले हैं। प्राणायाम तो वही होंगे, बस उनको करने का तरीका थोड़ा मध्यम गति, और बहुत हाइपरटेंशन है तो मंद गति, बहुत तीव्रता से नहीं करना, बस फिर कुछ अपने आहार में परिवर्तन करके ही इसके ऊपर आप पूरी तरह से नियंत्रण पा सकेंगे।
मैं कहता हूं हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर होता है। ऋषियों के योग के बल पर यह बात संभव हुई है, नहीं तो आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर होता है। लेकिन हमने इस बात को अनुभव किया और एक दो व्यक्तियों पर नहीं, हजारों लोगों पर तो प्रत्यक्ष रूप से उनके तो डेटा है हमारे पास में, और लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपने घरों में ही बैठे बैठे ठीक हुए। रोज सैकड़ों ऐसे पत्र आते हैं, लगभग 500 पत्र आते हैं, उनमें से रोज कुछ ऐसे पत्र होते हैं जरूर जो लोग ये कहते हैं समझे हाइपरटेंशन हमारा परमानेंट क्योर हो गया। 15-20 साल से जो जूझ रहे थे, वंशानुगत रूप से जिनको बीपी था, हाइपरटेंशन था, वे क्योर हो चुके हैं। और यदि बीपी से पीड़ित लोगों की बात की जाए तो 1991 में अमेरिका जैसा समृद्ध देश, और वहां पर तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वहीं पर ही, वहां पर वो भी खोज नहीं सके हाइपरटेंशन का इलाज। वैसे तो जो दवाइयां खोजी जाती है ना, इसमें एक निर्देश रहता है उनको कि कोई भी दवाई ऐसी ना खोजना, जितनी भी ये कंपनियां दवाइयां बनाती हैं एलोपैथ की, उनको यही निर्देश रहता है मैक्सिमम कि ऐसी दवाई खोजो जिससे बीमारी कंट्रोल रहे, क्योर ना हो। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, ये षड्यंत्र हम बहुत जल्दी ही सामने रख देंगे पूरी दुनिया के, कि जितनी भी ये दवाइयां खोजी जा रही हैं ये कंट्रोल करने के लिए, क्योर करने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि यदि क्योर हो गई प्रॉब्लम तो आखिर उनकी दवा कौन खरीदेगा। दवा एक बहुत बड़ा व्यापार, करीब पूरे विश्व के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष दवाएं बेची जाती है, और खाली रोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्योर करने के लिए नहीं, एक विडंबना है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं दवाओं का विरोधी हूं, मैं दवा का विरोधी नहीं, लेकिन एक बात कहता हूं, जब बिना दवा की बीमारी परमानेंट क्योर हो सकती हो तो फिर मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं इस बात का कि आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम बिना दवा के भी अपने आप को पूर्ण स्वस्थ बना सकते हैं। आयुर्वेद की भी दवा क्यों ना हो, वो सब मेरे लिए सेकेंडरी, प्रथम प्राथमिकता योग, और योग में भी प्राणायाम, उसके बाद में आसन, फिर उसके बाद एक्यूप्रेशर, फिर उसके बाद में आसपास की आपकी प्रकृति, घरेलू उपचार, फिर पांचवें नंबर पर कहीं आयुर्वेद की बात आती है जो करोड़ों वर्ष पुरानी भारत की संस्कृति। 1991 में अमेरिका के अंदर नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्विस, उन्होंने जो सर्वे किया उसमें पाया कि अमेरिकन को 20% अमेरिकन लोगों को हाइपरटेंशन है, 20% अमेरिकन लोगों को हाइपरटेंशन, और उसमें भी जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है, वैसे वहाँ लोगों की उम्र अधिक होती है क्योंकि वहाँ एक तो लोगों के पास में जीवन जीने के लिए संसाधन पर्याप्त हैं और दूसरा डॉक्टर उनको मरने नहीं देते हैं जल्दी से, क्योंकि वहाँ पर हर आदमी समर्थ है और वह अपना समय सही समय से उपचार लेता रहता है, तो इसलिए वो बीमारियों को कंट्रोल करके रखता है, तो 65 साल से भी अधिक जी जाता है। 65 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग थे, 65 से 74 वर्ष के बीच के, उनको 60% लोगों को हाइपरटेंशन था। केवल अमेरिका की नहीं, भारत की भी बात सुन लीजिए। भारत के अंदर भी जो प्रामाणिक संस्थाएं हैं, ऐसी एजेंसियां जो सर्वे करती रहती हैं हेल्थ के बारे में, आरोग्य के बारे में जो सर्वे करने वाली कंपनियां हैं, उनसे पता लगा है कि भारत के अंदर भी जो अर्बन एरिया, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर पुरुषों में 3.8 से लेकर के लगभग 4% हो गया, 3.8 से लेकर के 15.63% लोगों को, माने 15.63 माने 16%, 4 से लेकर के लगभग 16% तक लोगों को हाइपरटेंशन पुरुषों में, और महिलाओं में भी 2 से लेकर के 15.38% तक लोगों को हाइपरटेंशन है। माने एवरेज निकाला जाए तो हम 20 का एवरेज में निकालें तो लगभग 7 बैठता है पूरे विश्व के अंदर। मैं समझता हूं कि लगभग यही औसत होगा, 5 से 7% लोगों को हाइपरटेंशन। माने ज्ञात अज्ञात रूप से यदि सब सोचा जाए तो 30 से लेकर के 50 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज ऐसी ही प्रॉब्लम हुए जिनके बारे में बहुत भयावह दृश्य पैदा होते जा रहे हैं। और एक चौंकाने वाली बात यह है, जो आरोग्य के संबंध में सर्वे करने वाली कंपनी है, उन्होंने ये पता लगाया कि लगभग जिन लोगों को बीपी होता है उनमें से 50% ही चेक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। माने जिन लोगों को बीपी है उसमें से 50% लोगों को ही बीपी का, हाइपरटेंशन का पता लगता है, उच्च रक्तचाप का,
100 लोग यदि उससे पीड़ित हैं तो 50 लोग डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करवाने के लिए। 100 लोगों में से 50 लोग डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए गए, 25 लोग उसमें से इलाज कराते हैं, 25 तो फिर गोलियां ही नहीं खाते, अपने आप ही नहीं खाते, कौन गोली खाएगा? 100 में से, भारत की बात कर रहा हूं मैं, 100 में से 50 व्यक्तियों को हाइपरटेंशन का पता लगा, 50 में से 25 लोगों ने दवा खाई, और उन 25 लोगों में से भी दवाओं के द्वारा भी 12.5% लोगों का बीपी ठीक हुआ, माने 87.12 माने 87.5% लोगों का तो भगवानी मालिक है, दवा वो लेते ही नहीं, फिर उनका बीपी कैसे ठीक होगा? उनका बीपी ठीक होगा योग से। मैं बीपी की गोली एकदम बंद नहीं करने के लिए बोलता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, आप प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, लगभग पहले ही दिन से आपका बीपी कंट्रोल होने लगता है। शिविर के दौरान लगभग 80-90% लोगों की दवाएं छूट जाती है। एक सप्ताह के अंदर 7 साल का बीपी, 15-20 साल का हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम यदि ठीक हो जाए योग से, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बस थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन करना पड़ता है, नमक की मात्रा कम लें, पानी की मात्रा ज्यादा लें, सुबह उठ करके पानी जरूर पिए, 1 से 4 ग्लास, आपको बीपी होगा ही नहीं। खाने के 1 घंटे बाद पानी जरूर पिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, तुरंत बाद नहीं, बहुत ज्यादा रुक्ष भोजन है तो थोड़ा बहुत बीच में पानी ले सकते हैं, लेकिन आजकल शायद कम से कम शहरी क्षेत्रों में तो ये बात नहीं रह गई है कि आदमी को इतना रूखा भोजन मिले कि वो चटनी से रोटी खा रहा है, तो उस वक्त जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में भोजन करने से पहले आचमन किया जाता है, 3 घूंट पानी पिया जाता है, यदि रुक्ष भोजन हो तो बीच में थोड़ा सा पानी लिया जाता है, वो औषध का काम करता है, और भोजन के अंत में पानी को विष तुल्य माना गया है, ये हमारी भारत की संस्कृति में हमें पहले से ही सिखाया जाता है। इसलिए खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, सुबह उठ करके पानी पीना, दिन भर यदि गर्मी की ऋतु है तो 3 से 4 लीटर पानी पी लेना, आप कभी बीमार होंगे नहीं। पानी जरूर पीना चाहिए, पानी की मात्रा कम होने से हाइपरटेंशन होता है, किडनी खराब होती है और दूसरी प्रॉब्लम शरीर में आती है, इसलिए पानी की मात्रा ठीक रखें। और हाइपरटेंशन के लिए घरेलू उपचार भी, आप लौकी का जूस पीएं सुबह उठ करके, बीपी नहीं होगा। बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, मोटापा, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन की कमी, भयंकर एसिडिटी, अल्सर तक की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। सुबह उठ करके लौकी का जूस, दोनों टाइम लौकी का जूस पी लीजिए, हाइपरटेंशन क्योर हो जाएगा। घरेलू उपचार चेक करवाते रहना, धीरे 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 गोलियां बंद हो जाएंगी। और तो और अभी बहुत से डॉक्टर भाई जो हाइपरटेंशन से पीड़ित थे, अब डॉक्टर को भी बीपी तो होता ही है ना, उसको भी स्ट्रेस है, उसको भी तनाव है, हाइपरटेंशन डॉक्टरों का भी हमने ठीक किया, होता ही है ना, डॉक्टर या वो भी तो एक इंसान है, अब डॉक्टर का पेट बढ़ेगा तो उसको भी कपालभाती करना ही पड़ेगा, डॉक्टर को डायबिटीज है तो उसको कपालभाती करना पड़ेगा, उसका वेट बढ़ा हुआ। देखिए, जो भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, पीएम हो, सीएम हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी स्वस्थ रहना चाहता है उसको योग करना पड़ेगा, बिना योग के कोई दुनिया में स्वस्थ रह ही नहीं सकता। और योग नाम केवल एक्सरसाइज का ही नहीं, योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है, योग एक जीवन जीने की राह है। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से, योग भवति दुखा, योग माने जीवन में संतुलन, विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में, खान पान में, दिनचर्या में संतुलन। तो प्राणायाम फिर साथ में जरूर करना, प्राणायाम खास हाइपरटेंशन के लिए, और फिर हम कुछ घरेलू उपचार और भी बताएंगे। प्राणायाम से हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर हो जाता है, धीरे धीरे आप चेक करते रहना, किसी का 1 दिन में, किसी का 2 दिन में, किसी का 7 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 3 महीने में, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 दिन से लेकर के, किसी किसी का तो पहले ही दिन हाइपरटेंशन क्योर हो जाता है, शिविरों में आते हैं लोग, पहले दिन से बहुत से लोगों की गोलियां बंद हो जाती है, 1 दिन से लेकर के 3 महीने में लगभग सभी लोगों का बीपी क्योर हो जाता है, चाहे किसी भी कारण से बीपी हो, यहां तक कि उसमें जब बहुत ज्यादा बीपी होता है तो हम कुछ उसको घरेलू प्राकृतिक उपचार भी बताते हैं, माने किडनी खराब हो गई है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, 8-10 आ गया, ब्लड यूरिया पहुंच गया 100-150, तो फिर उस वक्त थोड़ा सा उसको हम आयुर्वेदिक सारवार भी थोड़ी देते हैं, वो अलग बात है, परंतु मैक्सिमम लोगों का यदि किडनी फेल नहीं हुई है और किसी भी कारण से बीपी, किसी भी कारण से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से, हार्ट के प्रॉब्लम से, अस्थमा के कारण से, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण से, किसी भी कारण से बीपी, प्राणायाम से 100% आपका कंट्रोल तो हो ही जाता है पहले दिन से, बाद में क्योर हो जाता है, धीरे धीरे चेक करते रहना, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी और बाद में बीपी होगा ही नहीं।
बहुत से लोग कहते हैं बोले स्वामी जी बीपी की गोलियां बंद कर दी तो नुकसान हो गया तो जिम्मेदार कौन? तुम बीपी की गोलियां खाते खाते पैदा हुए थे क्या, या बचपन से खा रहे थे तुम? जब पहले बीपी नहीं था ऐसे नॉर्मल हो जाओगे तुम प्राणायाम के करने से, जैसे तुम पहले थे, बीपी होने से पहले जैसे तुम थे वैसे हो जाओगे। इसलिए बीपी परमानेंट क्योर होता है, ये बात हमने देखी अनुभव की, इसलिए आपको बता रहे हैं क्या करना। प्राणायाम सहज करना, जोर से प्राणायाम नहीं करना। देखो आप भस्त्रिका कपालभाति बाह्य अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम यदि जोर से करेंगे तो बीपी बढ़ेगा, और मध्यम गति से करेंगे तो ठीक होगा, और बिल्कुल ही धीरे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप बीपी और आप ऐसे बैठे बैठे हिलने ही नहीं देंगे शरीर को तो भी गलत। मध्यम गति, मध्यम शक्ति से करना, यूं जोर से नहीं करना, इससे बढ़ जाएगा। अनुलोम विलोम भी, कपाल भाती भी, ऐसे जोर से करेंगे तो बीपी बढ़ेगा। इसलिए धीमी गति से करना, खास बात धीमी गति से प्राणायाम करना। कैसे? दोनों हाथ को टोक ध्यान मुद्रा में बैठ करके करना। ऐसे बैठने से बीपी ठीक होता है, ये पॉइंट भी है। ऐसे बैठने से बीपी ठीक होता है, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, इसको दबाने से भी बीपी ठीक होता है। ये स्ट्रेस को, तनाव को, डिप्रेशन को, अवसाद को और भी तमाम समस्याओं को ठीक करती है ये अंगुली, यहाँ से ऐसे दबाने से। भगवान ने सारे उपचार आपके हाथों में दिए हुए, आप ऐसे बैठ करके बीपी वाले कर सकते हैं और ऐसे भी बैठ के ध्यान मुद्रा में भी बैठ के, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जिस आसन में आप बैठ सकें सीधे उसी में बैठ करके प्राणायाम करना आपको। यदि नीचे ना बैठ सके तो चेयर पर बैठ करके भी आपको प्राणायाम करना है, चेयर पर बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं। यदि नीचे बैठने में आप असमर्थ हैं तो, और आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन किसी भी एक आसन विशेष में सीधे बैठ करके प्राणायाम करेंगे, श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, करना ऐसे नहीं करना। बीपी वाले पेशेंट बहुत तीव्रता से ना करें, बस इतना ध्यान दें, लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना, सहज करना, और सांसों को भरते हुए पूरी श्रद्धा से समर्पण के साथ ब्रह्म का आवाहन करते हुए, प्रभु ज्योति दो, शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो, विवेक दो, प्रज्ञा दो, ऊर्जा दो, आत्मश्वास दो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, प्राणायाम करते रहो। आदमी को बीपी होता क्यों है? भय से, चिंता से, तनाव से, असुरक्षा के भाव से। ये स्ट्रेस पैदा होने का कारण क्या है? नास्तिकता। तुम आस्तिक होकर के प्राणायाम करो। आस्तिक माने अस्तित्व को स्वीकार करने वाला। आस्तिकता कोई ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, आडंबर नहीं, अंधविश्वास नहीं। आस्तिकता का अर्थ है अपने अस्तित्व में आस्था रखो। तुम हो ना तो तुम आस्तिक हो, और तुम्हारा अस्तित्व किसी और की वजह से टिका हुआ। तुम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए, नहीं अपनी इच्छा से इस दुनिया से तुम जाना चाहते हो। कोई ताकत है जो तुम्हें जीवन देती है, जिंदगी देती है, श्वास देती है, प्राण देती है, इस अस्तित्व को बनाए रखती है, और जब समय है, वक्त पूरा हो जाता है तो तुम्हें वापस बुला लेती है। इसलिए मौत के सामने सम्मान हो जाते, कहते हैं हाँ कोई ताकत जरूर है, क्योंकि उस समय तुम रहना चाहते हो और कोई शक्ति है जो तुम्हें बुला लेती है कि अब तुम्हारा काम हो गया, तुम आ जाओ। आस्तिकता का अर्थ अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। आस्तिकता का अर्थ है उस विराट प्रभु को, उस सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार करना, जो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक सुप्रीम पावर, एक सुप्रीम एनर्जी जो पूरी दुनिया को चला रही है। दिखती नहीं हो, तुम भी दिखती कहां हो, शरीर दिख रहा है, और शरीर तो यहीं रहता है, जिसको हम मौत कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। उस समय ये देह तो यहीं पर रहता है, इसके भीतर की कोई शक्ति निकल जाती है, उस शक्ति का कोई आकार नहीं। इसी तरह से ये विराट ब्रह्म, वो परमेश्वर जो निराकार होकर के सब आकारों को घड़ता है, जो अमूर्त रह करके सब मूर्त जगत का निर्माण करता है, उसके ऊपर आस्था रखना, भयभीत ना होना। जो जिंदगी में होने वाला है वो होगा, उसको तुम टाल नहीं सकते। तुम पुरुषार्थ करके, तुम परिश्रम करके, तुम मेहनत करके अशुभ को टाल सकते हो। इसलिए परिश्रम करना, ईश्वर पर विश्वास रखना, भयभीत नहीं होना,
असुरक्षित महसूस नहीं करना। वो परमपिता परमेश्वर अपने हजारों हाथों से तुम्हें आशीष दे रहे हैं। तुम महसूस तो करना, एकदम सहज हो जाओ, देखो सांसों को भीतर गहरे भरो और ये विचार करो उस प्रभु की कृपा बरस रही है, उसका अमृत बरस रहा है, उसकी ज्योति उसका ज्ञान बरस रहा है। इस भाव से करना, स्ट्रेस ये तनाव ये आपाधापी सब बंद हो जाएगी, हाय हाय भीतर की, तो बीपी ऐसे ठीक हो जाएगा। सांसों को भीतर गहरे भरना, यूं भरा, यूं छोड़ दिया, ज्यादा ताकत नहीं लगाना, जितना भर सके धीरे धीरे गहरा भरना, बाहर छोड़ना। इस तरह से 2 मिनट कर लेना। अभी तक आप योग के बारे में सुनते रहते थे कि जिनको बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनको योग नहीं करना।